अभी हम फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो केसेस हम एडवांस में डिस्कस कर चुके हैं। पहला केस किया था हमने डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, फिर किया हमने डिफ्रैक्शन ड्यू टू टू स्लिट्स। उन दोनों के कंपैरिजन से हमने ये देखा था कि सिंगल स्लिट में सिर्फ डिफ्रैक्शन के कारण पैटर्न बनता है, जबकि जहाँ पे भी टू स्लिट्स है तो दो सोर्सेज अवेलेबल होने के कारण इंटरफेरेंस की भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है और वहाँ इंटरफेरेंस के कारण भी पैटर्न बनता है। तो हमारे पास एक पैटर्न बनता है विवर्तन के कारण, दूसरा बनता है व्यतिकरण के कारण, और जो हमें फाइनल जो पैटर्न पर्दे पे दिखता है वो इन दोनों की ओवरलैपिंग के कारण दिखता है। ये सब हम पहले दो जो डिस्कशंस थे उनमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर देखेंगे और फिर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स डिस्कस करेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ स्लिट्स इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे डिफ्रैक्शन पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ता है। व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण शब्द किसी भी बिंदु पर पड़ने में आयाम दो या दो से अधिक कला संबंधित स्रोतों से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण होता है, जबकि व्यतिकरण में एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीयक तरंगों के व्यतिकरण से किसी बिंदु पर आयाम प्राप्त होता है। दूसरा, व्यतिकरण प्रतिरूप में उच्चिष्ठों की तीव्रता बराबर होती है, जबकि विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट पर अधिकतम तीव्रता होती है तथा अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता धीरे धीरे घटती रहती है। थर्ड, व्यतिकरण प्रतिरूप में निम्निष्ट सामान्यतः जीरो तीव्रता के होते हैं मिनिमास सारे, जबकि विवर्तन मिनिमास जो हैं वो कभी भी जीरो इंटेंसिटी के नहीं होते। फोर्थ, व्यतिकरण फ्रिंजे सामान्यतः बराबर दूरी पर बनती है, इक्विडिस्टेंट होती है, जबकि विवर्तन फ्रिंजे कभी भी समान दूरी पर नहीं बनती है। अगर हमारे पास दो पैटर्न हैं फ्रिंजेस के तो इन चीज़ों को देखते हुए हम क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सा पैटर्न व्यतिकरण के कारण है और कौन सा पैटर्न विवर्तन के कारण है। अब हम डिस्कस करेंगे समतल विवर्तन ग्रेटिंग, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। समतल कांच की एक प्लेट पर हीरे की नोक से समान दूरी पर बहुत सारी रेखाएं बनाते हैं और इन रेखाओं का जो रेंज वो है वो लगभग एक सेंटीमीटर में 10,000 रेखाएं हम बनाते हैं। तो जहाँ रेखाएं खींची वो पोर्शन अपारदर्शी हो गया, इन दो रेखाओं के बीच का पोर्शन पारदर्शी होता है और वो स्लिट की तरह कार्य करता है, जबकि रेखाओं का खुदा हुआ भाग अपारदर्शी होता है। इस तरह की प्लेट को हम समतल पारगमन ग्रेटिंग या समतल विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। जब कोई समतल तरंगाग्र पारगमन ग्रेटिंग पर आपतित होता है तो पारदर्शी भागों से लाइट जो निकलती है एवं विवर्तन और व्यतिकरण दोनों तरह की घटनाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एन सोर्सेज है, एक से ज़्यादा। जैसे ही हमारे पास सोर्सेज होंगे हम देखते हैं कि व्यतिकरण की घटना भी पिक्चर में आ जाती है। क्योंकि रेखाओं के बीच में अंतराल प्रकाश तरंग लंबाई की कोटि का होता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, अतः ग्रेटिंग द्वारा जो है इसका डेविएशन भी काफ़ी होता है। प्रकाश की तरंग लंबाई ज्ञात करने के लिए ग्रेटिंग एक बहुत उपयोगी साधन है। लैब्स में हम ज़्यादातर इसी की सहायता से लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, और जो लैब में हमारे पास ग्रेटिंग होती है वो ओरिजिनल ग्रेटिंग नहीं होके जो मेन आपकी मूल ग्रेटिंग की प्रतिकृतियाँ या रेप्लिकास होती है। अब हम करेंगे कि समतल पारगमन ग्रेटिंग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। डायग्राम के हिसाब से जी जी डैश एक पारगमन ग्रेटिंग है जिसकी एन पारगमन स्लिटें कागज के तल के परपेंडिकुलर है। प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई ए है और दो जो स्लिट्स हैं इनके बीच का पारदर्शी भाग की चौड़ाई बी है। दूरी ए प्लस बी को स्लिट के केंद्र से दूसरे स्लिट के केंद्र की दूरी या ग्रेटिंग अंतराल कहते हैं। एल एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी पे पर्दा एक्स वाई रखा हुआ है, जहाँ पे हमें ये प्रतिरूप प्राप्त होता है। माना ग्रेटिंग पर समतल तरंगाग्र परपेंडिकुलरली इसके ऊपर फॉल हो रहा है। आइगन के सिद्धांत के अनुसार स्लिट का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बनता है। एकल स्लिट से विवर्तन के सिद्धांत से हम जानते हैं कि एकल स्लिट में थीटा दिशा में परिणामी आयाम का मान क्या होता है, हमें पता है ए इज इक्वल टू ए जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा, इक्वेशन नंबर वन। और यहाँ पे जो परिणामी तरंग की कला अल्फा होती है, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा।
यह तरंग परिमाण की दृष्टि से स्लिट के मध्य बिंदु से चलते हुए हम इसको मान सकते हैं फॉर कैलकुलेशन परपजेस। माना S1, S2, S3, SN विभिन्न क्रमागत स्लिटों के मध्य बिंदु हैं और थीटा कोण पे जो विवर्तित हो रही है हमारी किरण, इसमें व्यतिकरण होता है। और अब हमने S1 से S2 पे, S3 पे, S4 पे, सब पे लंब डाला और यहाँ पे हम पथांतर तय करेंगे। अब चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि S1 और S2 के बीच में थीटा कोण है और विवर्तित पथों में जो पथांतर होगा इसके वो कितना हो गया डायग्राम से, S2K = S1S2 sin θ। S1S2 हो जाएगा हमारे पास A+B ग्रेटिंग एलिमेंट इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। माना 2β इसके साथ फेज डिफरेंस अटैच्ड है और ये फेज डिफरेंस 2β = 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस के बराबर होता है। अब दो स्लिटों के बीच में पार्ट डिफरेंस हो गया हमारे पास A+B साइन ऑफ थीटा। ये सारे फॉर्मूले हमने जब डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट और डिफ्रेक्शन ड्यू टू डबल स्लिट किया है तब हमने ये डिराइव किया है और वहाँ पे इन फॉर्मूलेस को यूज़ किया है। यही कलांतर थीटा कोण पर आनत किन्हीं दो क्रमांगत तरंगों के बीच में होता है। एक ग्रेटिंग द्वारा A = A0 sin α/αα आयाम की n तरंगें होंगी यहाँ पे, क्योंकि हमने n स्लिट्स ली हैं जिनके बीच में जो कलांतर है 2β ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। परिणामी आयाम ज्ञात करने के लिए हम वेक्टर पॉलीगन मेथड काम में लेते हैं। माना MP1, MP2, MP3, MP4 सोन, ये जो है लंबाइयाँ आयाम A0 sin α/αα के पर प्रोपोर्शनल है एवं हर एक में 2β जो है एंगल जो कि फेज डिफरेंस है वो हर बार 2β से बढ़ता जाता है। इस प्रकार आयामों का बहुभुज बना लेते हैं और अब हम जो है रेखा MP रेखा जो हमारी है MPN परिणामी आयाम R को व्यक्त करती है। यदि बहुभुज का केंद्र O हो तो हम डायग्राम की ज्योमेट्री से देखेंगे कि MP1 = जो स्मॉल ट्रायंगल बना उससे 2OM sin β और MPN हो जाएगा 2OM sin nβ। OM सब में बराबर है, ये रेडियस है इस सर्कल की, इसलिए दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो MPN = MP1 sin nβ/sin β। तो ये MPN हमारा क्या कर रहा है, डिनोट MPN कर रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू n स्लिट्स, इसको हम मान लेते हैं R। तो R = MP1 है हमारे पास सिंगल स्लिट के कारण एम्पलीट्यूड A0 sin α/αα (sin nβ/sin β). सी दिस इज इक्वेशन नंबर 5। समीकरण जो 5 है इससे थीटा कोण पर समतल ग्रेटिंग द्वारा जो परिणामी आयाम को ये व्यक्त करती है और आयाम हमें पता है और इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है तो समीकरण 5 को स्क्वायर करने पर तो आई आ गया हमारे पास A02 sin²α/α² sin²nβ/sin²β के बराबर होगा। ये समीकरण 6 जो है ये हमें शो करता है थीटा कोण पर परिणामी तीव्रता को व्यक्त करती है। समीकरण में A02 sin²α/α² एक स्लिट से विवर्तन के कारण तीव्रता वितरण को प्रकट करता है जबकि sin²nβ/sin²β पर n स्लिटों के संयुक्त प्रभाव के कारण तीव्रता वितरण प्रकट करता है। कल के लेक्चर में हम सारी कंडीशंस निकालेंगे इन दोनों तरह के विवर्तन और व्यतिकरण जो प्रतिरूप बनेंगे उनमें मैक्सिमा मिनिमा की इंटेंसिटी निकाल के फाइनल पैटर्न निकालेंगे कि तीव्रता का वितरण उसमें किस प्रकार से होगा।